हेलो फ्रेंड्स, आज का अपने मुझसे सो लिए सॉरी लिए मैंने अंकल पे और आज से माइनक्राफ्ट। तो देखो कैसे बोला दिया है कि यार लोग कह रहे थे कि फिर से अपना टूर करा सर्वर, क्योंकि लास्ट टूर बहुत टाइम पहले हुआ था। लाइक सर्वर की स्टार्टिंग से हमने कितना कुछ कर लिया है। हाँ, एंड ये फार्म आपको यूज़ नहीं करता बिकॉज हमारे पास बहुत सारा फूड हो गया है, लिटरली बहुत सारा। सब ने अपना अपना एक नॉनवेज के लिए फार्म बना रखा है। एंड अच्छा, मेरा स्टफ़ है जो मैंने फेंका फालतू का, जो कल की वीडियो में मैं नदर से लेकर आया था, वो सारा स्टफ़ है। तो भाई इस जर्नी को भाई स्टार्ट करते हैं। जर्नी व्हाट द हेल। तो भाई ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी हमने माइनिंग से, जो कि हमने वहाँ पे स्टार्ट की थी, जो कि ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फिर हमने बनाया एक घर भाई, जो कि बनाया था गेमर एडाई ने। एंड फिर उसके बाद एक घर जल गया था जो कि चलाया था हंटर ने। एंड फिर उसके बाद एक घर को वापस बनाया गया, ये कार्फिन टेबल में वापस लगा दूंगा, चिंता मत करो। फिर यहाँ पे सबके बेड लगे थे। ये घर में लिटरली आज तक तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, बस ये चेंजेस हुए जो कि मैं लाया हूँ। एंड यहाँ पर और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, घर हमेशा का वैसा ही रहा। इनफैक्ट इसमें से धीरे धीरे सीधे ब्लॉक्स गायब होते रहे। जब हमने सारे बैम्बूज इकट्ठा कर लिया था, हमने बैम्बू छोड़ दिए, प्रीशियस आइटम्स। यहाँ पर इतने सालों से मैं आइटम फ्रेम लगाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अभी तक आइटम फ्रेम किसी को लगाने का आया ही नहीं। और गाइस कमेंट में भाई लोगों ने, दो तीन लोगों ने बोला था कि अपना सीक्रेट हाउस दिखाओ। एंड एक चीज़ और, मैं कमेंट बॉक्स बंद क्यों रख रहा हूँ इसकी एक रीज़न है यार, मैं कुछ टाइम बाद कमेंट बॉक्स वापस ऑन कर दूंगा, चिंता मत करो। ओके, सो हमने नेक्स्ट चीज़ आई थिंक हमने जो बनाई थी वो थी ये वाला रूम, इंचेंटमेंट रूम। ये हमने रूम बनाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर उस टाइम कुछ था नहीं है, चेस्ट वेस्ट लाना पड़ा था। एक क्राइंग ऑब्सीडियन यहाँ किसने रखा है भाई, हैं ये सब यहाँ रखने की जगह थोड़ना है, व्हाट द हेल। एंड सारी बुक किसने यूज़ कर ली, और दो स्टैक्स बुक पड़ी है, मतलब कोई 44 वाला जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे 44 और थे, वो कोई उठा के लेके चला गया। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि हमारे पास इतनी सारी, ओह शिट, मैंने सीक्रेट से दिखा दी, वैसे इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। और वैसे क्या बोलते हैं, जो बुक्स हैं, ये जो बुक्स हैं, तुम कह रहे हो भाई इतनी सारी बुक्स कहाँ से। असल में हमारे जितने भी सर्वर के मेम्बर्स हैं वो सब लोग वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड से तोड़ कर लेके आ गए सारी की सारी बुक्स। तो ये रही मेरी शॉप जो कि अब चलती ही नहीं है, चलती है, करती है कभी कभी काम। फिर उसके बाद हमने बनाया था भाई ये शुगर केन फार्म। यस, ये फार्म इसको मैं वापस चालू कर देता हूँ, पता नहीं क्यों यार मैं इसको बंद कर दिया, बिकॉज वैसे शुगर केन का यार टेक्सचर बदल गया है, क्योंकि भाई मेरे को अब इससे कुछ चाहिए नहीं था। सो दैट्स मैंने ना दैट्स वाई मैंने ये बंद ही कर दिया शुगर केन फार्म, बिकॉज किसी को नीड नहीं थी अब शुगर केन की। हमारे पास बुक्स थे, शुगर की बाद में ज़रूरत पड़ी थी हमें, लेकिन उस टाइम देख लिया था। ओके, सो ज़रा सुबह कर देते हैं यहाँ पर। एंड हमारे समय में भाई एमेथिस्ट क्रिस्टल की अभी तो कमी नहीं है, बिकॉज हमने तीन रूम ढूंढ लिए थे, उनमें से एक रूम के तो सारे क्रिस्टल मैंने तोड़ लिए हैं, लेकिन एक रूम से मुझे क्रिस्टल मिले, मैंने वो ऊपर लगाए, पता नहीं क्यों डेकोरेशन के लिए, लेकिन मैंने जब चाहे तब सिल टच से तोड़ सकता हूँ। काश और ज़्यादा मिलते और मैं पूरा का पूरा भर देता। ओके, हमने जो नेक्स्ट चीज़ सर में बनाई थी आई थिंक वो था पोटैटो फार्म, तो बनाया ही था। हाँ, पोटैटो फार्म घर बनाने के बाद ही पोटैटो फार्म बना था ये, जो कि मैंने बनाया था उस टाइम, बिकॉज उस टाइम ऐसा था ना कि हमें पता था कि जल्दी सर में खाने की कमी रहेगी, तो ये टाइम पास के लिए टाइप से इसका नाम भी था आलोक फार्म। हाँ, आलोक फार्म था इसका नाम। मुझे ये फार्म ने ठीक कर देना चाहिए, मतलब ऐसे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। फिर नेक्स्ट भाई हमारा नेदर पोर्टल, जिसके अंदर हमने तीन बैस्टियंस के घर ढूंढे थे। फिर उसके बाद ये मैंने बनाया था भाई एक स्टैचू जो कि बढ़िया था, एकदम झकास तगड़ा। फिर ये सोल मिस्ट्री का भाई घर, हाय सोल मिस्ट्री का घर है ये, जो कि आज तक रेडी नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब एक बार कंस्ट्रक्शन चल रही थी है, लेकिन उस टाइम क्या करता है। ओके, अनिक फेसबुक खोलो। ओके, नहीं चलता है। नाइस, तो ये आज तक भाई काम कंप्लीट नहीं हुआ। और भाई हंटर सबसे लेजी बंदा है, लिटरली इस सर्वर का सबसे लेजी बंदा है, और मैकेक्स को तो कुछ पता ही नहीं कि आधे टाइम क्या चलता रहता है। और ये केक खंड मैकेक्स की बर्थडे पार्टी का भाई साहब, वो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड किया था लेकिन बाद में मैंने उसे हटा दिया, नहीं फिर डाली थी मैंने, अपलोड की थी। ओके, मेरा फूड बैग ख़त्म हो गया, ये केक्स आज तक ख़त्म नहीं हुए, बिकॉज केक बहुत सारे बने थे यार, टाइम भी बहुत लगा था। ठीक है, तो ये हंटर का आज तक घर रेडी नहीं हुआ उसका, ये ऊपर का पूल वूल तो सब मैंने बनाया था, लेकिन भाई उस बंदे ने आज तक अंदर एक क्राफ्टिंग टेबल नहीं लगाई, इतना बड़ा बंदा है ये बॉटनी का। और ये है द थ्रेड सर के पेट्स का घर, एवरी असल में इसमें लिखा था उनने कि कोई अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर हटा के एवरी वन अलाउ, इनका नाम मैंने रखा है गॉड क्वेश्चन मार्क प्रिंस, आई एम द लॉर्ड एंड गुड्डू
इसका नाम उनने मुझे रखने नहीं दिया, मामा सीता एंड डेथ इज़ माय फेवरेट, डेथ इज़ माय फेवरेट, समझ रहे हो, डेथ, डेथ रॉयड और डेथ, समझ रहे हो ना, है ना, समझ रहे हो, ओके तो भाई ये फिर आया मेरा घर। फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों को हायर किया था सर्वर के अंदर, चूँकि वो भाई थोड़ा काम वाम करें मेरे लिए, एंड उन लोगों ने कमाल की चीज़ें की, लाइक सर्वर में यार कोई आ नहीं रहा था उस टाइम, बिकॉज सब लोग अपने अपने नए नए सर्वर में ग्राइंडिंग कर रहे थे। तो यार मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ी खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अकेला करना मुश्किल था, तो मैंने लोगों को सर्वर में बुलाया, कुछ दो लोग थे वो, एंड उनने बताया कई घंटे पैसे भी लिए, लेकिन उन्होंने कई घंटे तक चीज़ें की, एंड उनने सबसे पहले चीज़ की वो था, मैंने उनको बोला था कि पानी को बिल्कुल बढ़िया बनाना है एंड ग्लो स्टोन लगाना है, एंड उन्होंने लिटरली ये किया, और जो कि ना सबसे बढ़िया बात है। और मैंने सर्वर में सबको स्ट्रिक्ट कह रखा था कि अगर किसी ने इस जगह को तोड़ा मैं तोड़ देना, मैंने लिटरली तोड़ देना गुस्से में आगे, ओके सो उनने ये काम किया भाई जो कि बहुत बढ़िया था, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार ये ग्लो स्टोन वाला सीन। फिर उनमें से एक ने मेरी लाइटर ली और दुनिया भर के फायर वर्क्स एंड वो बहुत दूर तक गया, एंड लिटरली उसने स्वेटर्स की पिकेक से जितने भी उसे ये मशरूम मिले ना, ऐसे दिखने वाले मशरूम, उसने सारे के सारे तोड़ लिए, सारे के सारे, एंड देन उसने यहाँ पर आके सारे के सारे वो मशरूम्स मेरे को दे दिए, एंड फिर मैंने यहाँ से घर बनाना स्टार्ट किया। फिर ये लावा पूल, असल में मैं ऊपर वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था जब, तब का है, एंड ये मैं अभी तक तोड़ना भूल गया भाई कल की वीडियो के बाद से ही। एंड ये हमारा था भाई नेदर वॉट, जो कि अभी मैंने बंद किया है बिकॉज ये देख रहे हो ऑलरेडी फुल है, ये भी लगा दो यार, क्या जा रहा है, मतलब नहीं क्या जा रहा है, लगा दो यार आज की तैसी, बस सोल सैंड में मेरी स्पीड बहुत तगड़ी होती है, आखिर बैस्टियन से स्पीड मिली थी सोल स्पीड, इसलिए बोलता हूँ सोल स्पीड माई, मतलब बैस्टियन से करो यार ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया चीज़ें देते हैं यार वो, ओके सब कुछ ओके नाइस, नहीं सारे लग गए, बस सोल स्पीड में चलने से ना ये है कि मेरे बूट बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं यार, जबकि नेदर आइट गया, अरे लग जाए यार, एंड डैम हो गया, हमारे सर्वर में किसी का फास्ट वॉक है, किसी का सोल स्पीड है, तो यार मुझे भी चाहिए थी, तो मैंने दुनिया भर के लेवल इकट्ठा किए बिकॉज मेरे बूट बहुत बैडस बन गए थे, तो बहुत लेवल लगे भाई, 40 के करीब थे भाई, बहुत मतलब हवा टाइट हो गई थी उससे गाइस। ये मेरा घर वर बनने से पहले, घर बनने से पहले हमने ये बीकन बना लिया था जिसके अंदर हमारे सर्वर का सारा आयरन ख़त्म हो गया था, एंड मुश्किल पता है क्या आई थी, इसको बनाने में बहुत दिन लग गए थे, इसकी वजह ये है और बहुत ग्राइंडिंग। हमारे सर्वर में किसी ने सारा का सारा आयरन चोरी कर लिया था जितना भी ब्लॉक्स थे, एंड उसका शक भाई गेमर रेड आई पे है अभी भी, बिकॉज सर्वर में और कोई नहीं था एंड बस गेमर रेड आई था, तो गेमर रेड आई पे ही शक है, तो सारे के सारे आयरन ब्लॉक चोरी हो गए थे, तो हमें वापस से सारा का सारा ढूंढना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, जिसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन हम लोग ने कर लिया बिकॉज वहाँ पे एक साइड में ना माइन है रिवीन, जो कि इतनी बैडस है, जहाँ पे दुनिया भर के डायमंड्स और सब थे, जिसको मैंने रिकॉर्ड भी किया था एंड लेकिन मैं डाला नहीं बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और ये भाई, और फिर हमने एक जो सबसे बैडस काम किया ये घर वर थोड़ा बनने से पहले, वो था एंडर ड्रैगन की गुद्दी तोड़ना, जिसके लिए हमें लगा था कि बहुत लंबा सफ़र जाएगा, तो हमने चलना स्टार्ट किया और यहाँ वाले पानी में भी लगा रह रही है, ठीक है, और मैं माइनक्राफ्ट आजकल उतना खेलता नहीं हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं उड़ना भूल गया हूँ। ओके फिर हमने भाई एक्सप्लोरिंग की, हम लोग इस रास्ते से गए थे, लिटरली मैंने उस टाइम वीडियो बनाया था, हम लोग इस रास्ते से गए थे, मैं सबके साथ कॉल पे था, एंड हम लोग भाई लिटरली थे कि भाई यहाँ से 2-3 हज़ार ब्लॉक दूर होगा, इसलिए हमने मैंने भाई फूड ले लिया था दोस्त आया, ताकि भाई रहे कि हाँ वहाँ पहुँच के भी खाना वाना हो। लेकिन भाई मेरा लक आज तक इतना बढ़िया रहा ना, मैं जिस भी सर्वर में गया हूँ हमेशा स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना करीब होता है ना, सो भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड बस यहीं पर था, एंड यहीं से नीचे आते ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंड लिटरली स्ट्रॉन्ग होल्ड में पता पहुँचना हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन पता है अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज सर्वर के अंदर जितने भी फ्रॉस्ट वॉकर वाले थे ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और बार बार पानी पर चल रहे थे लिटरली, एंड आई वॉज लाइक अरे बस कर जाओ, हाँ दो गई भाई बस कर जाओ, लेकिन सब लोग वही फ्रॉस्ट वॉकर लगा लगा के हरकतें हो रही थी। एंड फिर इस विलेज के अंदर मेरे को 2-3 बैडस मिले थे विलेजर्स, जो कि मेंडिंग दे रहे थे शायद मेंडिंग, हाँ एंड लेकिन हुआ पता है क्या, असल में जब मैं यहाँ से गया मैंने उन्हें बंद कर दिया था एक जगह, लेकिन भाई मैंने उनसे कुछ ट्रेडिंग नहीं की, तो उनने जल्दी अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, पता है कितना सैड फील हुआ, लेकिन मेरे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बस दुनिया भर की मेंडिंग आ चुकी थी तब तक, बिकॉज ट्रेडिंग व्रेडिंग सब मैंने कर करके कर ली थी। एंड मैं अपने सर्वर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या करता हूँ, सफ़र पे जाता हूँ,
जो कि लिटरली मैं जो सफ़र पे जाता हूँ ना, बहुत डेंजरस होता है। मैं बहुत हज़ारों हज़ारों 15,000 20,000 ब्लॉक दूर हमेशा घूमने जाता हूँ। मतलब करने में मज़ा आता है मेरे को। और जब इलाइट्रा, ओ यहाँ पे कुछ है, और जब इलाइट्रा मिल गई ना, तब तो मैं और भी खुश हो गया और मैं बहुत बहुत दूर जाने लगा। फिर उसके बाद इस सर्वर में और दिखाने क्या लाया गया, ओ हाँ, फिर मैंने सर्वर के अंदर एक चीज़ स्टार्ट की थी जो कि थी ट्रेनिंग भाई वाटर बकेट की, जो कि बहुत काम आ रही है। मैं उड़ नहीं रहा यार मेरी, एक तो इलाइटर में सर्वर में आप, मैं लिटरली माइनक्राफ्ट बहुत कम खेलता हूँ, और एलओसी के सर्वर में ज़्यादातर खेलता हूँ बिकॉज ग्राइंडिंग होती है। अब मैं सच में नहीं उड़ रहा, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई। मैं लिटरली लाइटर इतने टाइम से अब यूज़ नहीं करता ना कि भूलता जा रहा हूँ। सो ये था भाई मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड जो कि था, मतलब देखो एक बेड लगा है ऊपर, ये सीधा मुझे फॉल कराता है बेड, तो यहाँ से मैं सीधा नीचे जाता था, नीचे वो लावा था, अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं लावा में कूद के मर जाता था। तो ये था सीन। फिर यहाँ पे भाई हमने एक्सप्लोरिंग स्टार्ट की, और ये कुछ नहीं है, हमें यहाँ मिली एक रिवीन जो कि थी, मिली थी डेथरोड सर को। इसके अंदर गाइज है एक वो स्पॉनर। फिर हमें यहाँ एक और रिवीन मिली जो कि उससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। फिर जो मैं रिवीन की बात कर रहा था ना, जो बहुत ही बैडास बैडास थी, वो यहाँ पर है। वैसे सर्वर में और भी चीज़ें करना बाकी है भाई, लिटरली इस सर्वर को मैं इतना एक्सपैंड करने वाला हूँ, एंड शायद हंटर ने मेरे को बोला कि मैं इस सर्वर को अटर्नस बना सकता हूँ। सो मैं सर्वर में भाई लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन सबको नहीं यार, मैं नहीं चाहता इस सर्वर तहस नहस हो जाए, तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन सर्वर में पब्लिक के लिए लोगों को बुलाऊंगा जो कि भाई करेंगे लाइक। तो वैसे ये वो थी रिवीन भाई, लिटरली एक चीज़ बोलूँ, ये वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रिवीन है भाई। इस रिवीन में मैं अपनी वाटर बकेट ट्रिक करूँ क्या, लेकिन मर गया तो गया काम से। वैसे तो मैं बढ़िया ही वाटर बकेट ट्रिक करता हूँ, है मतलब कोई शक है तुम्हें, आर यू किडिंग मी, मैं तो यहीं गिर लिया। व्हाट द हेल, ओ ओ ले ले भाई पानी, वाटर ले ले, और व्हाट द हेल 12 मिनट की वीडियो हो गई लॉल। ओए यहाँ से जंप मार देते हैं, नाइस, एंड डैम, ले ले भाई पानी। मैं आजकल सीख रहा हूँ भाई कहीं से भी जंप मार के ढक से कैसे करें, वो थोड़ा हार्ड होता है लिटरली, एंड कई ब्लॉक्स पे ग्लिच करता है। सो ये जो तुम ग्लास देख रहे हो, ये पक्का हंटर का काम है, हंटर को पता ही नहीं था कि बिल्कुल अंदर लगाते हैं ग्लास। सो ये देख रहे हो, ये माइनिंग, समझ गया ना इस माइनिंग से कितना हमने डेंजरस माइनिंग की है। मतलब भाई ये साइड, ये कॉर्नर देख रहे हो, ये कॉर्नर मेरा काम है, और ये जो दिख रहा है ना, ये सब भी मैंने किया है भाई। मुझे यहाँ पे डायमंड मिला था वैसे, ये इतनी बैड है सीरिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया था कहते मैंने, और हंटर ने ज़्यादातर माइनिंग की है इसके अंदर भाई साहब। एंड हंटर भाई डायमंड किंग है इस सर्वर में लिटरली, उसे इतनी ज़्यादा डायमंड कैसे मिलते हैं यार, मुझे नहीं मिल रहे थे। हमने इस साइड कभी माइनिंग नहीं की, बस 2-3 बार गया था मैं, लिटरली कुछ नहीं था, मैं ऊपर कभी नहीं जाता, मेरे को पसंद नहीं है बस। वहाँ पर एक है माइन शाफ्ट, वहाँ पर अंदर और ही केव फैली हुई है, बस मुझे ये केव इसलिए बढ़िया लगी बिकॉज ये ना पहली जैसी नहीं थी, लाइक कई केव्स होती है ना, कहीं इधर से जाओ कहीं उधर से जाओ, लेकिन ये वैसी नहीं थी, ये ठीक ठाक केव थी, बढ़िया थी। इसने बहुत लूट दी लिटरली, आरन तो हम लोग यहाँ से ब्लॉक ब्लॉक में लेके चले गए थे, दुनिया भर के ब्लॉक्स भाई साहब। ये क्या हुआ अभी, जस्ट अभी क्या हुआ, मैंने जंप मारा था, मैंने जंप मारा था भाई। अबे हो क्या रहा है, ये सर्वर ग्लिच हो रहा है क्या, ये मैं इतना गंदा, मैं लिटरली बस कुछ दिन ही लाइटर चला तो क्या मतलब, इतना गंदा, ओ इतना गंदा मैं थोड़ा ना बन सकता हूँ यार ये लाइटर चलाने में, अगर बस कुछ दिन ना चलाऊँ। ओके तो वो हमारा, वैसे यहाँ तुमने टॉर्चेस देखी, वो हमारे पास वैसे कुछ सामान रखा हुआ था। सो ये जो टॉर्चेस दिख रही है ना, ये असल में मैंने एक रूट बनाया था ढूंढने के लिए जगह, या फिर जाने के लिए, देख रहे हो एक लाइन से रूट। तो ये मैंने बनाया था तब भाई जब गेमर आ रहा था, वैसे ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी क्योंकि मेरे पास टॉर्चेस ख़त्म हो गई थी। एंड भाई दूसरी चीज़ आई हमारे पास, जो लास्ट चीज़ बची है जिसको बनाते टाइम दुनिया भर के लोग मेरे को गुंडागर्दी करने आ गए थे, तो वो चीज़ भी दिखाए थे, हमारा माउंटेन, इसके ऊपर अरीना और टेंपल भाई साहब। वैसे ये माउंटेन को अभी और भी जगमग करना है, और यार मुझे एक बार देखना है कितनी लाइट है, आर यू किडिंग मी, बस इतनी यार। मुझे देखो सर्वर में लाइट्स बहुत पसंद है, मुझे पूरा एरिया लाइट में कवर करना है, मुझे पसंद। यहाँ पे एक तो शीप बॉस स्पॉन होते हैं, ये गोट नए टाइप की। तो भाई अरीना है भाई, जो कि अभी शायद थोड़ा और काम करेंगे तो बढ़िया और बन जाएगा है, लेकिन देखते हैं भाई, अभी इसमें फ़ाइट वाइट होगी, लिटरली मैं फ़ाइट जीतने वाला हूँ,
मैं स्प्लिट कंट्रोल देखो यूज़, मैं फिर से बता दूँ, मैं पहले स्प्लिट कंट्रोल यूज़ नहीं करता था, मैंने इसको फिर बीच में स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं वाटर बकेट ट्रिक करना चाहता था एंड उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे नॉर्मली खेलने पे ना तो नहीं होता है ज़्यादा चीज़ें। और पता है मैं जो कह रहा था ना, मुझे वाटर बकेट कैसे सीखनी है। अबे हटना, अबे अबे हट जा यार। मुझे देखो ऐसे सीखनी है कि मैं कहीं से भी जंप मारूं एंड देख रहे हो ऐसे करने का ट्राई, तो ये मुझे सीखना है। एंड भाई साहब मेरे कितने मैंने पहना है ना भाई, ये लाइटर पता है मैकेक्स की है, मैं मरूंगा उसके हाथों। ये लाइटर लिटरली मैकेक्स की है गाइस, और वो मुझे जान से मार देगा। मेरी लाइटर ना हर्षिल भैया ने ले ली और वो सर्वर से चले गए, तो दैट्स व्हाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ओके सो अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, लेट्स गो। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? सो आई एम सुंदर शो, टेक केयर एंड गुड बाय।